और हिमाचल में भी बरसात ने जीना मुहाल किया हुआ है। सड़कें बह रही हैं, कई जगह पर भारी बारिश की वजह से पहाड़ दरकने लगे हैं। हमारे साथ फोन पर जुड़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, स्वागत है आपका। प्रशासन क्या कर रहा है, लोगों का जीना मुहाल हो रहा है सर? नहीं, ऐसा नहीं है, ये ठीक है कि 48 घंटे में बारिश से भारी तबाही हुई है। हमारे लिंक रोड, नेशनल हाईवे रोड में लैंडस्लाइड हुआ है, उस रोड को खोलने की पूरी कोशिश की जा रही है और नदी नालों के किनारे जो लोग हैं उनको सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। तो ये ठीक है कि तबाही ज़्यादा हुई है, जान का कम नुकसान हुआ है अभी तक, ये शुक्र भगवान का शुक्र है कि कोई ज़्यादा नुकसान जान का नहीं हुआ है। लेकिन वैसे दूसरी तबाही बहुत हुई है, हर जगह लिंक रोड बंद पड़े हैं जिनको खोलने की कोशिश की जा रही है और जो पर्यटक फंसे हैं वो भी बिल्कुल सेफ है और उनको भी निकालने की कोशिश की जा रही है और अगले 24 घंटे में और तेज बारिश होने की संभावना है। तो हमारा ये मानना है कि जितना भी रोड लिंक रोड है उनको हम युद्ध स्तर पर खोलने की कोशिश कर रहे हैं। सुक्खू जी, अभी जो हालात बने हुए हैं, आपके पास क्या जानकारी आई है कि कितने इलाके इस बाढ़ के हालात जो बने हुए हैं और ये जो लगातार बारिश हो रही है इसकी वजह से प्रभावित हैं? पूरे हिमाचल में काफी तबाही हुई है लिंक रोडों के, वे हर जगह मलबा गिरा हुआ है, लैंडस्लाइड हुआ हुआ है। हमने पंचायत स्तर पर डिप्टी कमिश्नर से मैंने सुबह ही खुद सबसे बात की है, सब रोड निकालने की कोशिश कर रहे हैं पर बारिश बहुत तेज है, फिर भी लोग लगे हैं रास्ते लिंक, कई रोडों को हमने खोल दिया गया है, तकरीबन 300 के करीब रोड बंद पड़े हैं उनको हम खोलने का प्रयास कर रहे हैं। जेसीबी लगाई है, मशीन्स लगाई है, लोकल लोगों को हमने इन्वॉल्व करके रास्ते खुलवाए हैं। पिछले कल से हमने 120 रास्ते हमने खुलवाए हैं, मेन रोड है उसको हमने बिल्कुल अवरुद्ध नहीं होने दिया। ये ठीक है कि मेन रोड में जब लैंडस्लाइड आता है तो कुछ घंटों के लिए अवरुद्ध हो जाता है, 4-5 घंटे के लिए, लेकिन उसको भी नेशनल हाईवे के रास्तों को हमने खोला है। ठीक है, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बीच एक बड़ी खबर जान लीजिए, हिमाचल के कुल्लू में फुट ओवर ब्रिज बह गया है। दवाड़ा के पास उफान पर ब्यास नदी है, बारिश के बाद उफान पर ब्यास नदी है। कुल्लू में अगले 48 घंटे में रेड अलर्ट है और वहां के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल में तबाही तो भारी हुई है, जाम रास्ते खोलने की कोशिश में सरकार और प्रशासन जुटे हुए हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।